आदम निष्कपट भाव से बिना किसी छल प्रपंच के बिना वासना के लिया जाता है ना, तो हरि आपके हो जाते हैं ना। फिर मैं भगतन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि, ये सिद्धांत भगवान उन भक्तों के लिए कहते हैं जो मन में प्रभु से कुछ आशा नहीं रखते, सिर्फ प्रभु को चाहते हैं। गोपियों से सीखना चाहिए, यशोदा माँ से सीखना चाहिए, मीराबाई से सीखना चाहिए। गोपियों ने भगवान से कुछ आशाएं नहीं रखी हैं, अपना प्रेम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन भगवान से उनसे मिलने की भी आशाएं गोपियों ने नहीं रखी हैं, उनके विरह में अपना पूरा जीवन बिताया है, इसलिए उनका विशुद्ध प्रेम है। प्रेमी का अर्थ क्या है? जो सिर्फ दे। आप भगवान को क्या देते हैं ये आपकी भक्ति है, आप भगवान से लेते हैं ये व्यापार है। देखिए जी, आपने हमारा काम बना दिया तो 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी आप पे चढ़ाए जाएंगे। मतलब हनुमान जी 1.25 किलो लड्डू के भूखे, उन पे तो है ही नहीं महाराज। क्या हमारी मेंटालिटी है, क्या हमारी मानसिकता है? आपके ये 1.25 किलो लड्डू किसी जज साहब के पास लेके जाना और उनसे कहना जज साहब हमारा जो केस है वो रफा दफा कर दो, 1.25 किलो लड्डू, वो आपके मुंह पे मार देगा, चलिए चलते बनिए यहाँ से, ये अपने काम में नहीं आने वाले। हाँ, और वाम सस्ते में ठाकुर जी को बड़ा बहलाते हैं। प्रभु भी कहते कि चलो कैसे भी भाव से जाप तो कर रहा है, इसी में खुश हो जाते हैं, जबकि वो लड्डू की सामर्थ्य नहीं है ठाकुर जी को प्रसन्न कर दे, पर हमारे कार्य बनते हैं, उनकी अनुग्रह है, उनकी कृपा है। पर ये भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलेगी और इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में जागृति नहीं होंगे, इसलिए कई बार हमारी पूरी भक्ति खोखली रहती है ना, तो उसमें कभी पूरे जीवन में ज्ञान उदय होता है कि आप कौन हैं, परमात्मा आपके कितने नजदीक है ये तक नहीं पता रहता, आप खुद कौन हैं, और ना ही जीवन में वैराग्य आता है। वैराग्य का अर्थ घर बार छोड़ना नहीं होता है, वैराग्य का अर्थ है कि संसार के अंदर सुखों में आपका जो मन भाग रहा है, इंद्रियां भाग रही हैं, और इंद्रियों के भागने से आपके शरीर को और मन को जो अत्यधिक कष्ट हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि संसार के सारे सुख साधनों में हम जिनकी ओर भाग रहे हैं, ये इंद्रियां भाग रही हैं, ये उनसे तृप्ति तो लेती रहेंगे, लेकिन इस तृप्ति का जो अब आगे चल के फल मिलेगा वो है जर्जर काया, रोग आदि, मानसिक कष्ट, अशांति। तो भक्ति जीवन में आती है तो भगवान का रस लग जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु कौन है, मैं भक्ति किसकी कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। जब प्रभु का अभ्युदय हमारे जीवन में होता है, प्राकट्यकरण होता है, तो फिर जीवन में भगवान का रस जब मिलने लगता है, संसार के सारे रस तुक्ष लगने लगते हैं ना। आप रहते संसार में ही हो, संसार के सारे सुख भोगते हो, लेकिन संसार के सुख पीछे रह जाते हैं, भगवान हमेशा आगे होते हैं। यानी जब बात की जाए ना आपसे कि आपको किसी रिश्तेदार के अहम रिश्तेदार की शादी में जाना है और वो आपके लिए जिद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके ठाकुर जी का कोई महोत्सव है या ठाकुर जी का कुछ नियम है या उनसे कुछ ऐसा कार्य करना कि उन्होंने आपको आज्ञा दी वृंदावन जाना, गुरु के पास जाना है, किसी संत के पास जाना है या गौ माता की सेवा के लिए जाना है, तो आप अपने महत्वपूर्ण लौकिक व्यवहार को अलग रख देते हैं और आप अहमियत सबसे पहले ठाकुर जी के कार्य को देते हैं। हर कार्य में, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि अत्यधिक बन जाती है। देखिए, जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग में बढ़ते जाएंगे ना, संसार के जितने भी विकार आपको सता रहे हैं उनसे आपको धीरे धीरे शांति मिलने लग जाती है। आपको क्रोध ज्यादा आता है, आप भगवत भक्ति कथाएं सुनना आरंभ कर दो, आप जितना प्रतिशत भगवत में मन लगाएंगे, भगवान की भक्ति में, उतनी प्रतिशत आपका क्रोध, काम विकार सब कम हो जाएंगे। पर बहुत आवश्यक है, अगर शुद्ध करना है तो आपको उतना ही प्रतिशत अध्यात्म में देना होगा, क्योंकि जितनी भी अब संसार में इतनी सारी टेक्निक सिखाने लग गए लोग,
नाक बंद करो, ये अभ्यास करो। मैं नाम नहीं लूंगी उन टेक्नोलॉजियों का, वो टेक्निक्स का, क्योंकि कई योगा टीचर आजकल सिखा रहे हैं सबको, सिर्फ 10 मिनट में क्रोध कम करो, मन को शांत करो। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी दुनिया में ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपके क्रोध को शांत कर दे पल भर के अंदर, 10 मिनट में या 10 दिन के अंदर। हाँ, उसका संयम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो टल जाए। लेकिन भक्ति में वो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि उसको क्रोध आएगा भी, लेकिन वो क्रोध कर ना सकेगा, उसको विकार असर नहीं करेंगे। अन्य सब साधनों में क्रोध को अगर कम करना चाहेंगे, मन पर संयम करना चाहेंगे, तो संयम हो सकता है, लेकिन मन को अपनी वस्तु दिखी तो फिर से वो जागृत हो जाएगा अपनी चंचलता में। लेकिन भक्ति ऐसी है कि मन अगर वहां लग जाए तो मन सात्विक हो जाता, चंचलता छोड़ देता है। तो यहां